नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। अबोर से हमारे संवाददाता सोनू सियाग की रिपोर्ट के अनुसार अबोर गांव जोरखेड़ा के किसान इकबाल सिंह ने मंडी नंबर एक में स्थित फर्म पर घटिया बीज देने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसकी शिकायत खेती बाड़ी अधिकारियों को दी है। खबर विस्तार से देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से, किसान ने बताया कि 8 नवंबर को 2851 शक्तिमान कंपनी के बीज 12 बोरी गेहूं लिए थे जो कि घटिया किस्म के निकले। किसान ने बताया कि उसकी जमीन ठेके पर ली हुई है जिसमें उसने जमीन में 5 बैग गेहूं के बीज बिजाई की। उन्होंने बताया कि बीज को बिजाई की हुए 8-10 दिन से अंकुरण नहीं हुआ। इस बारे में फर्म को बताया लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के कन्वीर जगजीत सिंह को बताया, जिसके बाद उन्होंने इस संबंध में एसडीएम अमित गुप्ता और कृषि अधिकारी को लिखित रूप में शिकायत दी। इधर जब इस संबंध में फर्म संचालक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस तरह की कोई सूचना नहीं है और किसके बारे में वह कुछ नहीं कह सकते। इधर पहुँचे और मौका देखा, इस बारे में बात करते हुए कृषि अधिकारी दयाल चंद ने कहा कि उन्हें किसान इकबाल सिंह ने शिकायत की थी और वो मौके पर पहुंच गए। इस मुद्दे को लेकर क्या कह रहे हैं किसान और क्या कह रहे हैं खेतीबाड़ी अधिकारी, सुनिए। मतलब ये जी उन्होंने ठेके से जमीन ली इकबाल सिंह सानू संता सिंह ने, ते बंदे ने बीज लिया के पैड़ी वाल तो बीजा सी जी ने किसान ने, तो छोटा किसान है ठेके इसे लैके जमीन का गुजारा करते हैं। तो यह तो बीज माड़ा निकला उगया नहीं, 8 दिन हो गए नाल गुआंढ सारी कणक उगी खड़ी सारे हर एक जिन्हें बीजी इन बीज उवें उवें पिया, बीज बड़ा माड़ा है। तो यह तो जिमीदार मारिया गया, इन्हों तो खर्चा ही पै गया 2-2.5 हज़ार डीजल ही मच गया बीजन पर, तो ठेके भी कितों पूरा करेगा जी। इन प्रशासन को चाहिए भी इन ध्यान देना चाहिए, तो जिमीदार को खर्चा पानी दवाओ, तो जो बनता इनका हक दवाओ इन जिमीदार को। ये इन दुकान बंद होनी चाहिए इन्हों की पैड़ी वाला, इन्हें 20 हज़ार इन्हों के परचे होने, सरकार फिर नहीं इन्होंने गौर कर दी जी। इन्हों ध्यान देना चाहिए सरकार ने इस काम वाले, ठीक है। ये अज पिंड झुरखेड़े इकबाल सिंह पुत्र संता सिंह जिहड़ा साडा गवांढी है, बड़ा जागरूक किसान सीगा, ते ठेके ते खेती लैके जिहड़ी ठेके ते जमीन जिथे 43-45 हज़ार नूं ठेके ते जमीन लैके खेती करदा सीगा, ते पैड़ी वाला ने जिहड़ा तुसीं देखदे हो पुराने समय तो ही साडे हबूर दे विच सब तों वड्डी दुकान प्रचलित दुकान आ, उन्होंने हमेशा ही किसानों नाल जिन्ना टाइम पुराना देख लो 2014-15 या पिछे भी देख लो, उन्हां दी जिन्ना पेस्टीसाइड सी सारिआं विच ठगी मारी, बीज विच ठगी मारी। अज 12 गट्टे कणक लैके आए आ, की 58 कणक सी जिंदे विचों इन्हें अते 3 किले बीज ली, बाकी बीज इहदा पिआ, ते अज 9 दिन हो गए आ उन्हां दा कणक दा कोई भी बीज जिहड़ा हैगा बाहर नहीं निकलिया, पुंघ रिहा नहीं, उदां ही जिवें उल्ली लगी सी जां जिवें कोई पुराणी कणक उन्हां पई आ। 1100 ਨੂੰ ਪਰ ਗੱਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ 1900 ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3000 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਟੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਟੇ ਕਣਕ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੂਜੇ ਤੇਲ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬੀਜ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ।
लाइसेंस कैंसल किया जाए तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके उन्होंने परचा दर्ज करके उन्होंने अंदर किया जाए। इन वर्गे कई भरा जे उन्होंने ठेके से जमीन लाइया से उन्होंने समा मुद्दा ना जी मेरा इकबाल सिंह प्यो संता सिंह तो बोरों कणक लिया पैड़ी वाला भी 12 गट्टे मैं जिंदे जो 5 गट्टे बीज लैने वो बिचे कणक अजे नहीं होगी बाकी 7 गट्टे अपने घर पै ने तो जोड़ा बिचों दाना पट्टी का दाना दुध आए बनया बिचों बीज उगती नहीं पी वो कणक जी तो यह तो ज्यादा इनका हल किया जाए इनका मुआवजा मिले जाए जहाँ मेरा हरा खर्चा ही वापस किया जी। ये बीज कितों लिया ये पैड़ी वाल तो लिया जी। हाँ जी उनकी मांग है थोड़ी मांग जी देखो ये उत्तों एक तो नहर सुक जानी उत्तों हूँ ना तो रौनी होनी तो यह मुड़ के बिजाई गुआढ़ी कणक हो गुपी सारी तो इनका मुआवजा कि दिता जी सारा खर्चा जी। पैड़ी वाला कोई सूचना किया बीज जो माड़ा दिता जाए। हाँ जी किया मैं सद्या इतने जी वेख के गया ने मौका सारा वाप हाँ वेख के गया ने वाकई बीज माड़ा है बीज वापस घर कोई मोड़ दौ खर्चा खुर्चा कोई नहीं गल की उन्होंने सर अपना की ना है सौदे तो सर मेरा नाम दयाल चंद है तो मैं अपने महकमे खेतीबाड़ी खेतीबाड़ी विस्तार अफसर ये सर्कल खुईखेड़ा रुकनपुर है उसका सर्कल खुईखेड़ा रुकनपुर है उनके जो चौड़खेड़ा पिंड है ये मेरे सर्कल च ही पैंता है। की कंप्लेंट है अज कंप्लेंट साढ़े इतने एक फार्मर की आई सी भी कोई कणक का बीज लिया से उन्होंने 58 वैरायटी कहते हैं तो उनका उन्होंने अज तो कोई 10 दिन पहला बिजाई की है पर अजे तक जर्मीनेशन नहीं होया जबकि उस दूजे फील्ड से जिन्नी भी कणक बीजिया से वह कणक बहुत वधिया उगिया हुई ने पर इस फील्ड के जर्मीनेशन मतलब बहुत ही घट नाम मात्र है। फर्म इन्होंने को बिल है वह सिमनारायण पेड़ीवाल है तो असी मौका देख लिया जर्मीनेशन की जी है जिमीदार का नुकसान तो होया ही है इसकी असी जी बनती रिपोर्ट है वो सोमवार इन्होंने जो ऑफिस टाइम बना के इन्हों दे देंगे तो बाकी जोड़ा है क्वालिटी का कम है बीज की जी कोई क्वालिटी वगैरह का तो वह डॉक्टर साहब नाल थोड़ी जिम्मे गल हुई सी अपने हिसाब नाल कार्रवाई करके तो कोई कंपनी से कार्रवाई होगी सर जो कंपनी है बीज माड़ा होगी नहीं सर वो क्वालिटी होगी कार्रवाई तो मतलब अल्टीमेट जितों जो सोर्स है उनके ही होगी जितों बीज आया हो क्वालिटी कंट्रोल का कम है वो अपने जेडे APPO साहब ने श्री सुंदर लाल जी उन्हों का जिम्मे हुक्म होगा उ